नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। रोडवेज चक्का जाम का आज तीसरा दिन। पुलिस कर्मचारियों के हाथ में थमाया रोडवेज बसों का स्टेयरिंग। 20 पुलिस कर्मचारियों को किया रोडवेज की ड्यूटी में तैनात। गांवों के रूट पर भी आज चलेगी बसें। किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज में 720 निजी बसों को शामिल करने का विरोध लगातार रोडवेज के सभी कर्मचारी संघ कर रहे हैं। इसी को लेकर दो दिन के लिए चक्का जाम की घोषणा की गई थी। चक्का जाम के पहले व दूसरे दिन सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको लेकर कर्मचारियों में एक बार फिर रोष पनप गया। इसी रोष के चलते कर्मचारियों ने चक्का जाम को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया। आज चक्का जाम के तीसरे दिन सिरसा में पुलिस प्रशासन व रोडवेज प्रशासन ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। देखें पल पल की खास रिपोर्ट। हमारे एसपी साहब ने जनता की परेशानी को देखते हुए हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं, इस करके हमने ये ड्यूटियां करने लग रहे हैं पब्लिक के सुविधा के लिए। देखो, शुरू से ही हम जो है ना, हमने पहले ही बोला है अगर जिला प्रशासन का सहयोग मिलता रहे हमें इसी तरह जैसे आज भी मिल रहा है, तो हम बिल्कुल पब्लिक को पूरी अच्छी सेवा देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे। चाहे चक्का जाम का डिक्लेरेशन कितने दिन ही करें, जब तक करेंगे मैं अपने मैदान में मोर्चे पर डटा हुआ हूँ और ऐसी सुविधा दूंगा। आज पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है कि जैसे कि आज चालक परिचालक काफ़ी स्ट्राइक पर गए हैं, जो कल कार्रवाई की गई है उसके एवज में, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने 20 ड्राइवर हमारे को उपलब्ध कराए हैं और जो कि आपके मैदान में हाजिर हैं। अभी तक 10 बसें जा चुकी हैं और 10 बसें और हमारे पास, वो 10 बसें वापस आती रहेंगी। ये सारा दिन रूटीन चलेगा और हम चाह रहे हैं कि जिले के सभी रूट आज हम कवर करेंगे, क्योंकि आज को प्राइवेट जो है गांव तक, गांव के रूट में नहीं जाती। आज क्या अपना फैसला लिया? हाँ, आज हम सभी जो है ना, सभी गांव के रूट भी कवर करेंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी होगी वहां तक रोडवेज की बसें जाएंगी।